गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC10 यूनिट 4 के सेक्शन बी, जिसमें हमें लिटरेचर पढ़ना है, तो लिटरेचर के अंतर्गत हमने पिछले दो क्लासों में आर्य भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित वर्णन किए हैं। आज हम द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित साहित्य एवं साहित्यकारों की चर्चा करेंगे। तो द्रविड़ भाषा परिवार से तात्पर्य हमारा वैसी भाषा जो द्रविड़ संस्कृति से उपजी हुई थी। तो इसमें मुख्यतः उराव जनजाति आती हैं जो द्रविड़ संस्कृति से पनपी या उपजी मानी जाती हैं। तो उरावों की जो भाषा है वह भाषा है कुडुख भाषा। तो आज हम द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुडुख भाषा एवं साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। उराव या कुडुख भाषा को यूरेशिया खंड के द्रविड़ भाषा परिवार अंतर्गत मध्यवर्ती समूह की भाषा माना जाता है। यह मुख्य रूप से झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग आदि जिलों में बोली जाती है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में भी बोली जाती है। कुडुख लोक साहित्य भी अन्य लोक साहित्यों की तरह लोकगीत, लोक कथा, लोकवार्ता, पहेलियां, कहावत, मुहावरे आदि से परिपूर्ण है। लोकगीतों के अंतर्गत ऋतु गीत, त्योहार गीत, संस्कार गीत, धार्मिक गीत, श्रम गीत, खेल गीत, प्रतिवादी गीत, उपदेश गीत आदि गाए जाते हैं। इन गीतों के अंतर्गत करम गीत, सरहुल गीत, सोहराय गीत, फग्गू गीत, जतरा गीत, चिरदी गीत, मट्ठा गीत, जदुरा गीत आदि महत्वपूर्ण हैं। संस्कार गीतों में विवाह गीत को बैंजा डांडी कहा जाता है। कुडुख लोक साहित्य में अनेक लोक कथाएं हैं जो सूरज, चांद, धरती, मनुष्य, देवता, नदी, पर्वत, पर्व त्योहार आदि की उत्पत्ति से संबंधित धर्म गाथाएं कहती हैं। कुडुख शिष्ट साहित्य की कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, निबंध आदि भागों में विभाजित किया जाता है। कुडुख साहित्य के विकास में सबसे अधिक योगदान ईसाई मिशनरियों का रहा। 1874 ईस्वी में ओ फ्लेक्स की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द उराव लैंग्वेज एवं सर जॉर्ज कैंपल की पुस्तक एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में कुडुख भाषा की जानकारी दी गई है। 1886 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल में एफ वेच की ब्रीफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज एवं एपिटॉम ऑफ द ग्रामर ऑफ उराव लैंग्वेज प्रकाशित हुआ। फर्डिनेंड हॉर्न ने कलकत्ता से 1898 ईस्वी में कुडुख ग्रामर एवं कुडुख फोकलोर नामक पुस्तक प्रकाशित किया। 1924 ईस्वी में ए ग्रेनार्ड की पुस्तक एन उराव इंग्लिश डिक्शनरी और अ ग्रामर ऑफ उराव लैंग्वेज एंड स्टडी इन उराव एडवर्सिया प्रकाशित हुई।
1941 में रेव हॉर्न, धर्मदास लकड़ा और डब्ल्यू जी आर्चर की पुस्तक लील खोरा खेलेल प्रकाशित हुई, जिसमें नागपुरी एवं कुडुख की 2660 गीते हैं। आजादी के बाद 1949 ईस्वी में श्री अलाहाद तिर्की का व्याकरण कुडुख सरहा प्रकाशित हुई। 1952 ईस्वी में मिखाइल तिग्गा का व्याकरण की पुस्तक कत आरा कत विलियन इदू प्रकाशित हुई। इन्होंने उराव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी का भी प्रकाशन किया। कुडुख भाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा ने गीतों की पुस्तक कुडुख डंडी 1950 ईस्वी में प्रकाशित की। इन्होंने 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। 1950 ईस्वी में दवले कुजूर की कविता संग्रह पुस्तक मुंता पूप झुंपा प्रकाशित हुई। श्री तेजू भगत, श्री थोथे उराव और श्री जमुआ भगत ने मिलकर गीत संग्रह पुस्तक चजिका कुरुख डंडी का प्रकाशन देवनागरी लिपि में किया। कुडुख भाषा साहित्य में अनेक साहित्यिक रचनाओं का लेखन एवं प्रकाशन 1950 के बाद देखा जाता है, जिनमें मुख्य रूप से इंद्रजीत उराव का खली अयंग, श्रीमती स्वर्ण लता प्रसाद की कुडुख हिंदी शब्दकोश एवं हिंदी कुडुख शब्दकोश, ब्रज बिहारी कुमार का कुडुख कोश, कुडुख भाषा प्राध्यापक साहित्य परिषद का कथ खीरी, जॉन लकड़ा का मौसमी राग, पीसी बेग का कुडुख परकला प्रमुख है। कुडुख भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन 1940-41 से आरंभ हुआ। 1940 ईस्वी में इग्नेस बेग ने विच बिनको मासिक पत्रिका एवं 1949 में श्री अलहाद तिर्की ने बोलता नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1950 ईस्वी में अलहाद तिर्की ने ही घुमकुड़िया नामक पत्रिका निकाली। इसके अतिरिक्त कुडुखन, कुडुखझरिया, सिंगी दई, जोहार, सरना फूल आदि पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं, जिसमें कुडुख रचनाएं समाहित होती हैं। इस प्रकार से हमने उराव जनजाति में प्रचलित भाषा, कुडुख साहित्य एवं साहित्यकारों के विषय में देखा, जो मूल रूप से द्रविड़ भाषा साहित्य के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि द्रविड़ भाषा साहित्य और उससे संबंधित साहित्य, कुडुख भाषा साहित्य एवं साहित्यकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस भाषा साहित्य से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे कमेंट में दे सकते हैं, हम यथाशीघ्र उनका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। अब हम अगले क्लास में झारखंड में हिंदी भाषा साहित्य एवं साहित्यकारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद।